हाय फ्रेंड्स, मैं विमला। विधान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है व्रत के लिए स्पेशल आलू और साबूदाने के आटे से बनी ये गर्मा गर्म क्रिस्पी टिकिया पूरी, और काफी टेस्टी है, यमी है, बहुत ज्यादा इजी रेसिपी है। साथ में धनिया पुदीने की चटनी, और जिन्हें स्पाइस खाना है साथ में मिर्ची, तो जरूर इस रेसिपी को देखिएगा। काफी यूनिक है और झटपट से बन जाने वाला व्रत की ये स्पेशल रेसिपी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। पसंद आता है तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल विधान किचन इंदौर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बनाते हैं व्रत स्पेशल ये रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्रत की ऐसी अनोखी और जबरदस्त स्वादिष्ट रेसिपी जो कि अब तक आपने कभी नहीं बनाया न खाया होगा। तो हम बनाएंगे इसे आलूओं से। तो हमें आलू लेने हैं, तो 3 आलू मैंने लिए हैं। इसे हमने छील करके अच्छे से धो लिया है। अब हमें क्या करना है कि एक ग्रेटर लेना है इस तरीके से, और एक प्लेट लेंगे और इन आलूओं को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसे ग्रेट कर लेना है, और इसे वॉश करने के बाद ही आपको ग्रेट करना है। इसे ग्रेट करने के बाद आपको वॉश नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर आलू सारे ग्रेट हो गए हैं, तो इसे हमें वॉश नहीं करना है। इसका जो स्टार्च है वही हम यूज करने वाले हैं, तो इसे आप पहले ही वॉश कर लें। तो यहाँ पर आलू जो है ग्रेट हो गए हैं, तो इसे हम साइड में रखते हैं और बाकी की तैयारी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे जिसमें हमें सभी सामग्री को मिक्स करना है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे आलू जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। तो जब आपको यूज करना हो तभी आप आलू को ग्रेट करें, अदरवाइज इसका कलर जो है थोड़ा चेंज होता जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फ्रेश धनिया पत्ती, थोड़ा हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, जैसा भी आपको तीखा पसंद हो। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ साबूदाने का आटा। साबूदाने को रोस्ट करके उसे आप ग्राइंडर जार में अच्छा बारीक पाउडर बना करके इसे पीस लें और इसे ऐड करें। तो मैं साबूदाने का आटा बाइंडिंग और टेस्ट दोनों के लिए ऐड कर रही हूँ। इससे काफी क्रिस्पीपन आएगा इस रेसिपी में, तो इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा, अदरक को हम थोड़ा ग्रेट करके ऐड करेंगे। अब बारी आती है नमक की, तो यहां पर हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक ऐड करें स्वाद अनुसार। अब इन सभी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है, जितना भी स्टार्च है आलू में वो उससे इसमें अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से एक डो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर सभी सामग्री अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ फ्रेश काली मिर्च, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इसे जरूर से ऐड करें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 5 मिनट के लिए ढक करके रखेंगे ताकि इसमें जो हम साबूदाने का आटा ऐड किए हैं वो अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं, काफी अच्छी तरीके से आलू और साबूदाने के आटे का डो तैयार हो गया है, सेट हो गया है। और यहाँ पर मैंने पैन चढ़ा दिया है, पैन गर्म हो रहा है, तो पैन को हमें
मीडियम टू लो फ्लेम पे ही गर्म करना है, इसे बहुत ज्यादा गर्म हमें नहीं करना है। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करूंगी, आप घी का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं। ऑयल को अच्छे से फैला लेंगे इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल हम ऐड करेंगे और इसे इस तरीके से फैला लेंगे। हो सके तो आप नॉनस्टिक पैन में यूज करें जैसा कि मैं कर रही हूं। और अब हम एक चम्मच ये बैटर लेंगे, डो लेंगे जो हमने अभी तैयार किया है। और इसे इस तरीके से रखेंगे पैन में और इसे थोड़ा सा फैला देंगे। तो जितना पतला आप कर सकते हैं उतना पतला कर लीजिए। फ्लेम को लो ही रखेंगे हम। इसी तरीके से मैं इसमें दो और बना लूंगी क्योंकि इसमें स्पेस है काफी। जब ऊपर की लेयर ड्राई हो जाएगी तभी हम साइड से भी थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने साइड में भी ऑयल को ऐड कर दिया है ताकि अच्छे तरीके से ये पके और क्रिस्पी हो जाए। और दो चार बूंदे हम ऊपर से भी इस तरीके से कर देंगे। फ्रेंड्स, ये काफी इजी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी है। आप जब भी आपको व्रत में कुछ अलग सा नया सा खाने का मन करे तो आप झटपट से इसे बना करके इंजॉय कर सकते हैं। साबूदाने को आप रोस्ट करके उसको पाउडर बना के अलग से रख लें ताकि आपको जल्दी हो जाए और देर ना हो। तो फटाफट से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये एक साइड से सिक गए हैं तो हम इन्हें पलट देंगे इस तरीके से। बहुत बढ़िया कलर आ गया है। तो इसी तरीके से हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते जाएंगे और अच्छे तरीके से इसे पकने देना है ताकि ये अंदर तक सिक जाए और कच्चे ना रहें। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से प्रेस करते हुए हमें क्रिस्पी होने तक इसे अच्छे से सेक लेना है। ऊपर की लेयर काफी क्रिस्पी हो गई है और अंदर से हल्के से सॉफ्ट है, ये तो खाने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसे भी हम फ्लिप कर देते हैं। ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं ये। अब हम इसे निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म व्रत के लिए आलू कुरकुरे बोल सकते हैं आप इसे, या इजी स्नैक बोल सकते हैं, जैसा भी आपकी मर्जी, मगर झटपट से बन जाने वाला है। तो व्रत में इसे आप जरूर से बनाएं। और मैं इसे गर्मा गर्म ही सर्व कर रही हूँ तो फटाफट से हम इसे सर्व भी कर देते हैं। तो ये जबरदस्त रेसिपी है फ्रेंड्स, इसे ट्राई करना तो बनता है। एक बार आप जरूर से ट्राई कीजिएगा और खाकर आपको मजा आ जाने वाला है। बहुत ही ज्यादा यमी है, टेस्टी है। और साथ में मैं इसे सर्व करूंगी धनिया पुदीने की चटनी के साथ में। तो झटपट से बनाइए और सावन के इस व्रत त्योहार को एंजॉय कीजिए। बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, काफी टेस्टी है, इजी है। तो फटाफट से बनाइए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल विदान किचन इंदौर को और बेल आइकन जरूर से प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर
बहुत ज्यादा पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय।